नाम लेते हैं, सहसा मंथन स्मृति पटल पर उभरता है। कुंभ का अर्थ है जहाँ मंथन हुआ, और वो बहुत पहले मनोमंथन हुआ, आत्ममंथन हुआ। और जब व्यक्ति मंथन करता है तब उसके आसपास अनेक परिणाम होते हैं। पूर्व काल में जब कभी देवासुर पुरुषार्थ के द्वारा वे एकीकृत हुए और समुद्र का मंथन हुआ, तब भी कुछ रत्न निकले। अमृत उसका मूल लक्ष्य था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देव गुरु बृहस्पति, दोनों एक मत हुए। उपलोमा पुष्परमा नमुची बलि दैत्यों की ओर से इधर इंद्र वरुण कुबेर देव समूह और देव गुरु बृहस्पति मंथन हुआ। उस मंथन में पहले विश्व निकला, कठिनाइयां पहले नहीं, एक नकारात्मकता आई, एक भय खड़ा हुआ, मंथन रुक गया। चूंकि विश्व मान्य नहीं था, विश्व अग्राह्य था, अपूज्य था, दाहक था, मारक था, उसे सब व्यथित हुए, उसे सब दीनहीन मलिन श्रीहीन अनुभव करने लगे। अब मंथन रुक गया। सहसा महाकाल का आगमन हुआ, उसे प्रकट हुए, और वो जो द्वेष था, ईर्ष्या थी अथवा विष था, उसका उन्होंने पालन किया। ये ध्यान रहे, मंथन जब कभी करेंगे आप तो हमारे विष या विषय हमें अपनी ओर खींचेंगे, और तात्कालिक आकर्षणों को भी विष कहा गया है। अगर विवेक पूर्वक उनका हम भोग नहीं करते, विवेक विचार वैराग्य का अभाव है, तो जो आकर्षण है हमें जो अपनी ओर खींच रहे हैं वो भी एक प्रकार का विष ही है। विषयों को विष ही कहा गया है। जैसे बहुत आकर्षण के बंधन कर, और आज एक ऐसी प्रवृत्ति है कि बिना श्रम साधना के योग्यता पात्रता के सब कुछ मिल जाए। मैं शीर्षस्थ बन जाऊँ, शिखरस्थ बन जाऊँ, वंदनीय पूज्य बन जाऊँ, महनीय बन जाऊँ, मेरा वर्चस्व हो, मेरा आधिपत्य हो, सब मेरे हाथ में हो, और ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है। अगर विचार आपके पास नहीं है तो ये प्रवृत्ति आपको असुर बना सकती है। जो धरा पर है सब अच्छा, वो मेरा हो, जीव जलाशय सरोवर धन धान्य यहाँ की वन्य संपदा जो कुछ भी मूल्यवान है सब वो मेरा हो, मेरा उस पर आधिपत्य हो। आपके पास विचार सही नहीं है तब भोग की प्रवृत्ति जगेगी, अपने हित की सिद्धि के लिए आपका जीवन होगा। और हो सकता है कि फिर आप दूसरों के लिए एक ऐसा भी जीवन जिए कि लोग कष्ट में अपमानित हो। विद्यार्थी थे जो अच्छा है सब मेरे पास है, और आज इस प्रवृत्ति ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया, व्यक्ति को ग्राहक बनाया, उसके भीतर के साधन को हम गौण होते हुए देख रहे हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, कर्तव्यों की विस्मृति हुई। मेरे देश में एक संस्कृति पनप रही है,